नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं पीकेएल सीजन 11 का मैच नंबर 33, जिसमें आमने सामने होंगी गुजरात की टीम और पुनेरी पर्यटन की टीम। उसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे, परखेंगे, फिर हम बात करेंगे अपनी फैंटेसी टीम को लेके। स्टार्टिंग सेवन आने के बाद अगर हमारी टीम में कुछ भी फेरबदल होंगी, उसका अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, चले जाना है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पे जाने के बाद सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कर देना है और सभी भाई को टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके रख लेने हैं। और हाँ, अगर आप लोगों में से अभी भी कोई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किस बात की देरी है, अभी के अभी टाइम निकालिए और सबसे पहले YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब आइए मैच को लेके बात कर लेते हैं। दोनों टीम आमने सामने आई है 14 दफा, जहां पे जीती है 8 बार गुजरात जायंट्स, 5 दफा जीती है पुनेरी पर्यटन, 1 दफा मुकाबला टाई गया है। लास्ट हेड टू हेड मैच को लेके बात करेंगे। गुजरात के 24 पॉइंट थे, पुनेरी पर्यटन के 34 पॉइंट। बेस्ट पिक बेस्ड ऑन हेड टू हेड असलम इनामदार, अमन अंटिल, गौरव खत्री और सोमवीर। अगर हम बात करेंगे लास्ट मैच में ड्रीम टीम को लेके, तो ध्यान रखिएगा ये पिछले सीजन का ही है, जहां पे मोहम्मद रिजा सादलू हेस्ट पॉइंट गेटर थे, बट ये इस सीजन इस टीम के साथ नहीं है। पुनेरी पर्यटन की अगर हम बात करेंगे लास्ट मैच को लेके, तो पुनेरी पर्यटन लास्ट मुकाबला यू मुंबा को फेंटी लगा के आ रही है, जहां पे इनके 19 रेड पॉइंट थे, 1 सुपर रेड, 10 टैकल पॉइंट, 2 ऑल आउट पॉइंट और 4 एक्स्ट्रा पॉइंट। ध्यान रखिएगा इस मैच में स्टार्टिंग के 25-26 मिनट बाद असलम इनामदार सब्स्टिट्यूट हो गए थे। इस मैच में प्रदर्शन को लेकर बात करेंगे। असलम इनामदार 8 रेड टच, 1 टैकल, 1 बोनस। मोहित गगत 8 रेड टच, 1 बोनस। गौरव खत्री 6 टैकल, 1 सुपर टैकल। अविनेश नटराजन 1 टैकल। अमन 1 टैकल। आकाश शिंदे 1 रेड टच, बाकी किसी ने कुछ खास यहाँ पे किया नहीं था। अब बात आती है यहाँ पे पुनेरी पर्यटन के स्टार्टिंग सेवन क्या हो सकती है। मुझे यहाँ पे कोई फेरबदल नजर नहीं आ रहा है। आपको दिखेंगे अमन अंटिल लेफ्ट कॉर्नर पे, मोहित गोयत राइट लीडर प्लस लेफ्ट इन पे होंगे, उसके अलावा संकेत सावंत लेफ्ट कॉर्नर पे, पंकज मोहिती सेंटर संभालेंगे प्लस राइट लीडर होंगे, अविनेश नटराजन राइट कॉर्नर पे होंगे, असलम इनामदार राइट इन प्लस लेफ्ट लीडर होंगे और गौरव खत्री होंगे राइट कॉर्नर पे। और ये आपको दिखेंगे इस टीम का सबसे तगड़े डिफेंडर में से एक। अगर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूट में, आपको दिख जाएंगे वैभव, आकाश शिंदे, एमडी अमन, उसके अलावा यहाँ पे डी पुजारी भी दिख सकती हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब ये टीम वन साइडेड विन करती रहती है तो अपने मेन प्लेयर को सब्स्टिट्यूट कर देती हैं और वहीं पे थोड़ा सा जो है वो टीम क्रिएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर ऐसा ना हो तो हमारी टीम फिर बेहतर बन जाएंगी। अब आइए बात कर लेते हैं इनके प्लेयर का प्रदर्शन। तो अगर इनके प्लेयर में हम बात करेंगे टीम की, पहले देख लेते हैं 11 में। देखिएगा पीकेएल सीजन 11 में 6 मुकाबला खेली है, 4 जीती हैं, 1 हारी है, 1 टाई। पंकज मोहिते को लेकर बात करेंगे, 15 रेड टच, 3 टैकल, 4 बोनस, टोटल 22 पॉइंट्स। ओवरऑल प्रो कबड्डी के 70 मैच में 371 पॉइंट्स निकालने हैं। एवरेज पॉइंट हर एक मैच में इनका 5.30 है। फिर आपको दिखेंगे संकेत सावंत, इन्होंने अभी तक 6 टैकल किए हैं और प्रो कबड्डी के 85 मैच में 117 टैकल पॉइंट निकाले हैं। एवरेज टैकल पॉइंट हर एक मैच में 1.30 है। अविनेश नटराजन को लेकर बात करेंगे, एक और जबरदस्त राइट कवर, इन्होंने अभी तक 10 टैकल पॉइंट निकाले हैं, 2 सुपर टैकल, टोटल जो है इन्होंने निकाले हैं 12 पॉइंट्स। ओवरऑल 72 मैच में 166 इन्होंने जो है वो टैकल किए हैं। एवरेज टैकल पॉइंट हर एक मैच में 2.50 है। मोहित गोयत जबरदस्त फॉर्म में है, 27 रेड टच, 7 इन्होंने टैकल किए हैं, 8 बोनस, टोटल इन्होंने 42 पॉइंट्स निकाले हैं। प्रो कबड्डी के 74 मैच में 564 पॉइंट निकाले हैं। एवरेज इनके पॉइंट जो है वो हर एक मैच में 7.35 है। असलम इनामदार को लेकर बात कर ले, तो इन्होंने 19 रेड टच, 7 टैकल, 10 बोनस, टोटल 36 पॉइंट निकाले हैं। प्रो कबड्डी के 74 मैच में 592 पॉइंट निकाले हैं। एवरेज पॉइंट हर एक मैच में 8.20 है। अमन अंटिल, इन्होंने अभी तक 15 टैकल निकाले हैं, प्रो कबड्डी के 68 मैच में 130 टैकल पॉइंट निकाले हैं। एवरेज टैकल पॉइंट हर एक मैच में 2.10 है। और गौरव खत्री, इस सीजन तो भाई साहब खटलियां मचाए हैं, इन्होंने 27 टैकल, 1 सुपर टैकल, टोटल 28 पॉइंट निकाले हैं। प्रो कबड्डी के 52 मैच में
139 टैकल पॉइंट निकाले हैं, एवरेज टैकल पॉइंट हर एक मैच में 2.80 है। अब आइए हम बात कर लेते हैं इस मैच को आपको खेलना कहाँ पे है। तो स्मॉल लीग आप खेलिएगा एक्सएल 11 पे, जहां पे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड है कबड्डी में। रैंक वन पे थाईलैंड की ट्रिप है, रैंक टू पे गोवा की ट्रिप है। दोनों में आप अपने साथ एक और लोगों को लेके जा सकते हो। रैंक तीन पे iPhone 16, रैंक चार पे iPhone 15, रैंक पांच पे iPhone 14, ऐसे करके 50 भाई के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है। उसके अलावा यहाँ पे आपको सबसे लोएस्ट एंट्री फी देखने को मिल जाएगा किसी भी फैंटेसी ऐप की तुलना में। साथ में इंस्टेंट विड्रॉल है, GST TDS फ्री है, और फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 100% बोनस मिल जाएंगे। उसके लिए कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, तो देरी नहीं करना है। अभी के अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे दिखेगा एक्सएल 11 ऐप की लिंक, डाउनलोड कीजिए और आज से यहाँ पे खेलना शुरुआत कर दीजिए। गुजरात जायंट्स को लेके बात कर लेना, तो ये टीम ऑन पेपर मुझे अच्छी नजर आ रही है, पर पता नहीं भाई इनके साथ दिक्कतें क्या है। इनका और बेंगलुरु बुल्स का टीम अच्छा है, प्रदर्शन बेरागर करने वाला है। इन्होंने जो है लास्ट मैच में 25-44 से तमिल तेलवाद से हार कर रहे हैं, जहां पे इनके 14 डेड पॉइंट 0 सुपर डेड, 8 टैकल पॉइंट, 0 ऑल आउट पॉइंट और 3 एक्स्ट्रा पॉइंट था। अगर हम बात कर लेंगे प्लेयर का प्रदर्शन, गुमान सिंह इनके साइड से एक अच्छे रेडर है, जिन्होंने 6 रेड टच 1 बोनस निकाले थे। राकेश चंगड़िया 2 रेड टच 1 टैकल, रोहित 3 टैकल, प्रतीक दहिया 3 रेड टच एज एन सब्स्टिट्यूट आए थे, हिमांशु 1 रेड टच 1 बोनस, सोमवीर 2 टैकल, धीरज कुमार 1 टैकल और मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श 1 टैकल निकाले थे। गुजरात जायंट्स की स्टार्टिंग 7 को लेके बात कर लेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर होंगे। फिलहाल लास्ट मैच में लेफ्ट कॉर्नर रोहित खेले थे, बट मुझे लगता है ये लोग फिर से जयंत को लेके जाएंगे। राकेश सोंगरिया लेफ्ट इन प्लस राइट रेडर, वहीद रिजा लेफ्ट कवर पे आपको दिख जाएंगे, गुमान सिंह सेंटर संभालेंगे, नीरज कुमार राइट कवर, हिमांशु आपको राइट इन लेफ्ट इन दोनों जगह दिख सकते हैं, फिर सोमवीर आपको दिख जाएंगे राइट कॉर्नर पे, हिमांशु राइट रेडर भी हैं। ये एज एन सब्स्टिट्यूट जबरदस्त खेलते थे, लेकिन जैसे ही स्टार्टिंग 7 में मौका मिला है इनका बेड़ा गर्क वाला फॉर्म चल रहा है। अगर हम बात करेंगे इनके से सब्स्टिट्यूट में, तो आपको यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे मनुज कभी कभी दिख जाएंगे तो दिख जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे शायद ही कोई आपको दिखे। अगर हम बात करें गुजरात जायंट्स के प्लेयर का प्रदर्शन, टीम का तो बेड़ा गर्क वाला हाल है, 4 में से सिर्फ 1 मुकाबला जीती है। गुमान सिंह 14 रेड टच, 0 टैकल, 5 बोनस, टोटल 19 पॉइंट निकाले हैं। ओवरऑल प्रो कबड्डी के 68 मैच में 448 पॉइंट निकाले हैं, एवरेज पॉइंट हर एक मैच में 6.5 के आसपास का है। वहीद रिजा 4 टैकल किए हैं, ओवरऑल प्रो कबड्डी के 8 मैच में 10 टैकल पॉइंट है, एवरेज टैकल पॉइंट इनका हर एक मैच में 1.25 है। नीरज कुमार इन्होंने 3 टैकल और 1 सुपर टैकल किया अभी तक, टोटल इनके पास 4 पॉइंट हैं। ओवरऑल 84 मैच में 178 पॉइंट इन्होंने निकाले हैं, एवरेज पॉइंट हर एक मैच में 2.13 है। राकेश सोंगरिया इन्होंने 7 रेड टच, 2 टैकल, 6 बोनस, टोटल इन्होंने 15 पॉइंट निकाले हैं। प्रो कबड्डी के 64 मैच में 402 पॉइंट निकाले हैं और एवरेज पॉइंट हर एक मैच में 6.10 है। हिमांशु सिंह इन्होंने जो है वो रेड टच 12 निकाले हैं, टैकल 4, बोनस 5, टोटल इनके 21 पॉइंट है। प्रो कबड्डी के 48 मुकाबले में 243 पॉइंट है और एवरेज पॉइंट हर एक मैच में 4.68 है। रोहित को लेके बात करें तो इन्होंने 5 टैकल अभी तक किए हैं, प्रो कबड्डी के 2 मैच में 5 टैकल और एवरेज टैकल पॉइंट इनका हर एक मैच में 2.50 है। सोमवीर इस टीम के डिफेंस के सुपरस्टार प्लेयर, जो कि आपको दिखेंगे राइट कॉर्नर पे, इन्होंने अभी तक 13 टैकल पॉइंट किए, 1 सुपर टैकल। उसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे टोटल, तो इन्होंने 14 पॉइंट निकाले हैं और प्रो कबड्डी के 98 मैच में 212 टैकल पॉइंट हैं। औसतन टैकल पॉइंट को लेकर बात करेंगे तो 2.10 का है। हमारे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, मैच पे जानेंगे कौन सा प्लेयर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और किनके पास डिफेंस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाला है। तुम पहले बात कर लेते हैं गुजरात जायंट्स के जो रेडर हैं वो किस डिफेंस के पास जाएंगे, पुनेरी ब्रिटन का। तो पुनेरी की अगर हम बात कर लेंगे, लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे अमन अंटिल, फिर आपको दिख जाएंगे राइट कवर खेलते हुए यहाँ पे दिखेंगे आपको राइट कवर अविनेश नदराजन। फिर अगर हम बात कर लेंगे इनके साइड से आपको दिख जाएंगे खेलते हुए राइट कॉर्नर खेलेंगे ये गौरव खत्री जी के, और अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे संकेत सावंत, सेंटर खेलेंगे पंकज मोहिते, फिर आपको दिख जाएंगे लेफ्ट इन पे मोहित गोयत और
राइट टीम पे आपको दिख जाएंगे असलम इनामदार, क्लियर है। अब सामने वाले टीम के पास जो रेटर होंगे राकेश सौंदर्यम, उसके अलावा आपको दिख जाएंगे यहाँ पे हिमांशु, या फिर आपको यहाँ से दिख जाएंगे हिमांशु सिंह, राकेश सौंदर्यम, ये दोनों के दोनों आपको दिखेंगे राइट रेडर, क्लियर है। उनका सामना होगा अमन अंकिल से, फिर उनका सामना होगा अविनेश नटराजन से। अगर ये जाते हैं बोनस लेने के लिए तो मोहित गोयत यहाँ से टैकल कर सकते हैं, ज्यादा डीप जाएंगे तो गौरव खत्री भी आके यहाँ पे टैकल इनको कर सकते हैं। इनके पास लेफ्ट रेडर गुमान सिंह होगा, गुमान सिंह लेफ्ट के साइड से जाएंगे, जिनका सामना होगा गौरव खत्री राइट कॉर्नर से, फिर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख जाएंगे संकेत सावंत, उनसे अगर ये बोनस लेने के लिए पॉप फेंकेंगे तो असलम इनामदार भी इनको टैकल कर सकते हैं। ज्यादा डीप अगर जाते हैं गुमान सिंह तो इधर से अमन भी आके टैकल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए हम बात कर लेते हैं जो पुनेरी पैटर्न के रीडर होंगे वो किस डिफेंस अटैक के पास जाएंगे गुजरात जायंट्स का। तो इनके डिफेंडर का तो वैसे अपना खुद ही सीन नहीं पता है, इनकी अगर हम बात कर लेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे तो लेफ्ट के आप पे आपको या तो दिख जाएंगे रोहित या फिर आपको दिख जाएंगे जयंत, फिलहाल लास्ट मैच के अकॉर्डिंग मैं रोहित को मान के चलता हूँ। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे इनके अलावा राइट कवर पे आपको दिख जाएंगे नीरज कुमार, एक बेहतरीन डिफेंडर है जो कि कैप्टन भी है इस टीम का, पता नहीं क्यों आउट ऑफ फॉर्म है। राइट कॉर्नर को लेके बात कर लेंगे यहाँ आपको दिख जाएंगे सोमवीर, ये भी एक अच्छे डिफेंडर है। लेफ्ट कवर की अगर हम बात कर लेंगे यहाँ आपको दिख जाएंगे वहीद रिजा, और सेंटर की बात करेंगे आपको दिखेंगे गुमान सिंह, राइट इन पे आपको दिख जाएंगे खेलते हुए राकेश सौंगड़िया, और लेफ्ट इन पे आपको दिख जाएंगे लेफ्ट इन पे राकेश सौंगड़िया, राइट इन पे आपको दिख जाएंगे हिमांशु या फिर प्रतीक दहिया में से कोई एक। ध्यान रखिएगा सामने वाले टीम में प्रतीक दहिया अगर स्टार्टिंग सेवन में होते हैं ना तो वो राइट रेडर है, वो फिर वहां पर जाते अमन के पास, फिर जाते नटराजन के पास, फिर जाते गौरव खत्री के पास, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे इस टीम के पास पंकज मोहिते और मोहित गोयत दो राइट रेडर है, कौन कौन, पंकज मोहिते और मोहित गोयत, वो दोनों जाएंगे राइट के साइड से, उनका सामना होगा रोहित और नीरज से। नीरज एक ठीक ठाक डिफेंडर है बट रोहित के पास जो है बिल्कुल ही एक्सपीरियंस नहीं है, इसका फायदा पंकज मोहिते और मोहित गोयत उठाने वाले हैं। ज्यादा डीप जाएंगे तो सोमवीर आके इधर से टैकल कर सकते हैं। अब इनके पास लेफ्ट रेडर होंगे स्टार्टिंग सेवन में असलम इनामदार, और अगर ये टीम वन साइडेड विन कर रही होंगी तो ये ला लेंगे आकाश सिंधे को, दो इनके पास हो जाएगा लेफ्ट रेडर, वो दोनों जाएंगे लेफ्ट के साइड से, उनका सामना होगा सोमवीर से, वहीद रिजा से, और बोनस लेने अगर जाएंगे तो या तो यहाँ होंगे प्रतीक दहिया या होंगे हिमांशु, वो इनको टैकल कर सकते हैं। और ज्यादा डीप जाने पे रोहित आएंगे, बट मैंने देखा है रोहित का गेम ये ज्यादातर लेफ्ट रेडर को डीप जब जाते हैं तो आके टैकल नहीं करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं अपनी फैंटेसी टीम को लेके, तो मैंने अपनी फैंटेसी टीम में जगह दी है मोहित गोयत को, फिर मैंने लिए अष्टम इनामदार को, अविनेश नटराजन को मैंने लिए, गौरव खत्री को मैंने लिए, अमन अंटिल को लिए, संकेत सावंत को लिए, और सोमवीर को मैंने अपनी टीम में जगह दिया हुआ है। मैंने कैप्टनसी के भार सौंप दिए गौरव खत्री को, और वीसी मैंने दिए अमन अंकिल को। अब संकेत सावंत की जगह पे आप चाहो तो अपने टीम में लेके जा सकते हो गुमान सिंह या फिर प्रतीक दहिया अगर खेलते हैं तो उनको, या फिर आप पंकज मोहिते को भी लेके जा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं संकेत सावंत की जगह पे हो सकता है फाइनल टीम में गुमान सिंह को ट्राई करूँ, जो भी करूंगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा। फिलहाल मेरे कैप्टन गौरव खत्री हैं और वीसी अमन अंटिल हैं, आप चाहो तो मोहित गोयत, असलम इनामदार और अविनेश नटराजन को भी सीवीसी देके जा सकते हो। जब आपके पास मैच का सारा स्ट्रेटेजी सारा डाटा, उसके बाद आपको ये मालूम चल गया कौन सी टीम एज लेंगी, तो क्यों ना आप बाय सेल करके एक्सचेंज 22 पे अच्छा खासा मुनाफा कमा लो। तो कहने का मतलब ये साफ है, जो प्लेयर आपको लगे अच्छा करेगा उसको कीजिए बाय, जो लगे अच्छा नहीं करेगा उसको कीजिए सेल। तो जैसे मुझे लग रहा है इस मैच में पुनेरी की टीम फेवरेट होंगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मोहित गोयत आपके लिए अच्छे बाय के पिक बन जाएंगे, फिर यहाँ पे अविनेश नटराजन आपके लिए अच्छे बाय के पिक बन जाएंगे, उसके अलावा अमन अंटिल आपके लिए अच्छे बाय के पिक बन जाएंगे। देन आफ्टर मैं आपको रिकमेंड करूंगा असलम को भी आप बाय कर सकते हो, बट लास्ट मैच में इंजरी कंसर्न था इनका थोड़ा सा, तो आप इनको थोड़ा देख के बाय करना। फिर यहाँ पे आपके लिए गौरव खत्री हमेशा से बाय के पिक बनेंगे, और मैं रिकमेंड करूंगा कि संकेत सावंत को भी आप चाहो तो बाय करके चल सकते हो। अब बात करें सेल को लेके,
तो मैं सेल बोलूंगा आप गुजरात के अधिकांश प्लेयर को सेल कीजिए, चाहे वो सोमवीर हो, चाहे वो नीरज कुमार हो, या फिर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे राकेश सांगरिया, जो भी देखिए गुजरात के प्लेयर उसको अधिक से अधिक सेल कीजिए। मल्टीवेगर में मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे गौरव खत्री का नाम और मोहित गोयत का नाम, रिस्क टेकर अविनेश नदराजन और अमन को भी मल्टीवेगर पिक में लेके चल सकते हो। एक्सेंस 22 ऐप के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे दिखेगा एक्सेंस 22 ऐप के लिंक, डाउनलोड कर लीजिए। और WBBL में कंबोडिया की भी ट्रिप लगी हुई है तो उसका भी फायदा उठा लीजिएगा, वहां भी आप लोग जो है अच्छा खासा रैंक ला सकते हो। 1 से लेकर 15 भाई के लिए है तो भाई वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा कंबोडिया जाने का, और मैं भी आपके साथ रहूंगा, ढेर सारी बातें होंगी तो उसको भी आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए और समझदारी से मिनी GL जरूर ट्राई कीजिए। धन्यवाद।